नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ललितपुर के ग्रामवासी बजुर्रा तहसील और जिला ललितपुर वासियों ने अलग अलग दो ज्ञापन एटीएम महोदय ललितपुर को दिए। पहले ज्ञापन में उन्होंने बताया कि है कि हमारी फसल में इल्ली लगने और अधिक बारिश होने के कारण पूर्णता खराब हो गई है, जिसकी जाँच कराकर हम लोगों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की मेहरबानी करें। वहीं उसी ज्ञापन में ग्रामवासी बाजुर्रा निवासी गणों ने यह भी बताया है कि हम लोगों को विगत वर्ष पूर्व फसल बीमा का कोई भी लाभ नहीं हुआ है अभी तक, और उसका लाभ भी हम लोगों को जल्द से जल्द दिलवाया जाए। वहीं दूसरे ज्ञापन में ग्रामवासी बाजार ने एडीएम महोदय से बताया है कि हम लोग बैंक क्रेडिट कार्ड भारतीय स्टेट बैंक शाखा खितवास से बनाए हुए हैं, जिसमें सरकार द्वारा 7% की दर से हम लोगों से ब्याज लिया जाता है, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा अपनी मनमर्जी से 14% का ब्याज लगा दिया गया। वहीं एटीएम महोदय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपने फ़ोन द्वारा बैंक मैनेजर से बात की और तत्काल मामले को संज्ञान में लिया और बैंक मैनेजर से कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान करें। और भी समस्याओं को लेकर काफ़ी देर तक बात करते रहे और किसानों को आश्वासन दिया कि जाइए अपनी अलग एप्लीकेशन लेकर और अब आपकी समस्या का समाधान होगा। उड़दा भी गए, मूंग भी गई, तिली भी गई, मका भी गई, ज्वार फुआर भी थी, बा भी गई। कितने आए अब काय हुए जी? हम दे भी आए सर, आप लोगों को काटा रहे सरकार ने। समस्या आप लोग किस चीज का नुकसान हो गया, किस चीज का आप लोग ज्ञापन देने आए हो? हमारा पूरा उर्द की फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। किसानों को 100% में से 98% भी पूरी फसल बिल्कुल नुकसान हो चुकी, कुछ नहीं बचा फसल में और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और किसान आत्महत्या करने की कोशिश है। क्या क्या मांग है आपकी? क्या क्या फसल? हमारी मांग है किसानों को सही बीमा दिया जाए और किसानों को सही मुआवजा दिया जाए और किसानों को जहाँ जहाँ जरूरत पड़े और बैंक में आज जाते हैं किसान केसीसी बनवाएं, अपना केसीसी जमा नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक वाले 14% ब्याज लेके आज किसान को बहुत परेशान है। किसान 5-5, 10-10 दिन लाइन में लगे। क्या नुकसान भैया है आपका? नुकसान पूरी फसल पूरी इल्ली लग चुकी है और पानी बारिश की वजह से पूरी फसल नष्ट हो चुकी है और सरकार से शाखा की त्वास के संबंध में इतना ही लोग आए थे, वहाँ की कुछ शिकायतें थी कि अधिक ब्याज वसूला जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड का। इस संबंध में अपना बैंक मैनेजर से भी बात हुई आपके सामने, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग जो है अवधि में अपना इंस्टॉलमेंट्स किस्तें नहीं देते, 2-2 साल, 3-3 साल हो जाता है, तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी जो रूल्स के तहत हैं वो लगा दी जाती हैं, तो हो सकता है उससे कुछ लोग प्रभावित हों इनमें से, तो वो लोग अपना शिकायत कर रहे हों और उन्होंने आमंत्रित भी किया कि पर्सनली ये लोग आ करके अपनी शिकायत कर सकते हैं और मैं उसका निदान करूँगा। सर, दलाली की भी बात आ रही है सर, जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि दलाली भी होती है, उस इंक्वायरी में दलाली की स्थिति में इसकी भी जांच करवाएंगे और बैंक मैनेजर को जैसे जो लिखा हुआ है भेजा जाएगा, अगर ऐसी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी अपना दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो सर, ये आपने मार्गदर्शन दिए सोशल डिस्टेंस की, कुछ रसीदें भी कट गई सर, कितनी रसीदें कट गई? कहाँ रसीद कटी, इनकी काट दो, क्या कटवाएंगे? चलो ठीक है, तो ये हिदायत रसीदें काटने की कृषक हैं आप बता रहे हो कि आप ही लोग बता रहे हो? चलिए ठीक है, थैंक यू।